पहले तीर्थों को छीनने की सब में साजिशें भर दी, अतिक्रमण कर पावन भूमि पर फिर तलवारें धर दी। कब तक सहनशीलता का हम जग में उदाहरण देंगे, अब बर्दाश्त करें कैसे जब दिगंबर आचार्य की हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से जन जन की आवाज जन जन तक पहुंचाने वाले, सही बात को भी और गलत की बात को भी समझाने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे सादर जय जय अष्टमी का पावन दिन। पर आज समाज को एक बात याद दिला रहे हैं जो बिल्कुल सो रहा है, एक नृशंस हत्या, क्रूरतम हत्या, जिसका आज आपको बताएंगे कैसे हुई थी हत्या। 75 साल के आजाद भारत के अंदर पहली बार क्रूरतम साधु की हत्या हुई है, एक जैन संत की हुई है, एक दिगंबर संत की हुई है, एक दिगंबर आचार्य की हुई है, 35 साल की लंबी दीक्षा वाले संत की हुई है। नृशंस क्रूरतम वहशी दानवों की तरफ से, इतनी आपने सुनी नहीं होगी। हां, जैनों के साथ ऐसा होता रहा है, 700 के 700 मुनियों को घानी में पेल दिया, 7वीं-8वीं सदी में सूली पर चढ़ाए गए, मद्रास से मदुरई तक हजारों को मारा गया, गोवा के अंदर पादरी बनकर आए और क्रूरतम हत्याएं कर डाली। कारण, धर्म छोड़ो जैनत्व छोड़ो, नहीं तोड़ते हो छोड़ते हो तो हम तुम्हें तोड़ते हैं। यह इतिहास जैनों के साथ रहा, पर आजाद भारत के बाद आज लगता है जैसे बदला नहीं गया। हाँ, यही है आजाद भारत का नंदी आश्रम, जहां पर गणधराचार्य श्री कुंतू सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज 12-13 साल से रह रहे थे, उन्हीं की नृशंस हत्या हुई। कसूर था उनका, जी हां, कसूर था उनका। आज हम यह भी कह रहे हैं आपसे, कसूर क्या था? कसूर यह था, उन्होंने एक जरूरतमंद माली की सहायता के लिए वहां की ट्रस्ट कमेटी से कहा था, यही कसूर था कि वह कोई कपड़ा लफड़ा नहीं रखते हैं, दिगंबरत्व है केवल पिछली कमंड रहते, कसूर यह था। कसूर यह था कि उस गिलगिड़ाते माली को कह दिया था कि तेरी सहायता करेंगे, और कमेटी में दबाव डाल दिया कि इस गरीब की सहायता कर दो, कसूर यह था। 6-7 साल पहले इस कसूर को के आज उसका इंतकाम देख लिया इस आचार्य ने। 35 साल की दीक्षा वाले अगर हम पूरे इतिहास में देखें तो जैन संत आज की तारीख में 50 भी ऐसे आचार्य नहीं मिलेंगे, ढूंढते रह जाओगे, और एक ऐसा खो दिया इस कसूर के कारण बस। और तब ट्रस्टी कमेटी ने कहा कि महाराज जी, हम कह रहे हैं बार बार, वो माली 6-7 साल वापिस नहीं कर रहा है। तब आचार्य श्री ने बस यही तो कहा था उस माली से कि भाई, तू ये तेरी जरूरत पर दिलवाया था, अब तेरे पास है तो उसे वापिस करना चाहिए, बस इतना ही कसूर था। और उसका क्या खामियाजा एक दिगंबर संत आचार्य को भुगतना पड़ा। उस कसूरवार आचार्य, जरूरतमंद की सहायता करने वाले के अपील में वह माली और साथ में एक गोल टोपी वाले को साथ लेकर 5 जुलाई की रात्रि लगभग 10 बजे पहुंच जाता है उनके कमरे में। आचार्य श्री दरवाजे की उल्टी तरफ करवट लेकर लेटे हुए थे, आराम से दिगंबर संत दरवाजा नहीं लगाते, क्योंकि लगाए तो हम बोलते हैं, अंदर पता नहीं दरवाजा बंद करके क्या क्या करते हैं, क्योंकि हम आरोप जरूर लगाते हैं, इसलिए आचार्य श्री काम को बंदी दरवाजा नहीं लगाते थे। माली भी जानता था, गोल टोपी आया और दरवाजा खोला, नंगी तारों से बस करंट शुरू कर दिया, तड़पत रहे और वो बेशरम बेहया इस तरह से उनका वीडियो बनाते रहे, नंगा तांडव करते रहे, कांपते कांपते जैसे शरीर रुका तो समझ लिया उन्होंने संभवतः ये सारी बातें किसने बताई, एसपी को, आचार्य बेलगांव के एसपी देना आचार्य गुणधर नंदी जी को बताई कि हादसा किया है। यही नहीं, जब लगा कि शायद मर गए हैं और संभवतः वह बेहोश हुए थे, तब उनके साथ क्यों किया गया, हाथ उखाड़े, पैर काटे, सर से कान काटे, नाक काटी, चेहरे को किस तरह किया आप सोच भी नहीं सकते, छाती की हालत क्या कर दी आप सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप वैसे दृश्य देखकर कैसे हैरतअंगेज से किया, अगर वह बेहोश थे उस समय किस तड़पन में वे रहे होंगे इसकी अंदाजा कोई कर भी नहीं सकता, उन वहशियों के इस तरह के तांडव को देखकर। 5 को रात को यह घटना हो गई,
6 की सुबह एकदम तलाशी की बात हुई तो कुछ आवाजें उठी, 6 पता नहीं चल रहा, 7 पता नहीं चल रहा। तो आचार्य गुणधर नंदी जी ने एसपी को फोन किया, सीएम को फोन किया और डीएसपी को फोन किया और स्पष्ट बात कह दी कि जैन साधु ऐसा क्यों हो रहा है। घंटी बजने के बाद सब तैयारी हो गई, यानी सब हरकत में आ गए और 4 घंटे में बात का खुलासा हो गया। क्या हुआ था उस दिन? 5 तारीख को रात को 10 बजे ही हुआ। फिर उन टुकड़ों को भर के वे बोरवेल में पहुंचे, एक किसान के 600 फुट गहरा बोरवेल था जिसमें डाल देंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। बोरवेल में डालने गए, हाथ पैर उसमें नहीं जा पाए तो हाथ पैर उन्होंने इधर उधर फेंक दिए जो सबसे पहले सरकार पुलिस वालों को मिले। वापस आ गए, बेशरम माली वापस आके सो गया। और फिर कहता है जब सुबह, अरे साधु गायब हो गए, महाराज जी गायब हो गए, महाराज जी गायब हो गए, यहाँ पर उनके पीछे कमंडलू है पर पता नहीं चला। और वही सबसे आगे गुम शुद्ध की रिपोर्ट में आगे रहता है, पुलिस को बताता है कि मैं रात को 10 बजे देखा था, उसके बाद गायब हो गए। 6, 7, 8 को यही नाटक चलता रहता है और बाद में पता चलता है कि जो सबसे आगे गुमशुदी में आगे चल रहा है माली, अरे वही तो दोषी है। हैरानगी हो जाती है जब इस तरह की एक फिल्मी कथा वास्तव में हकीकत बनकर सामने आंखों के उतर जाती है। दृश्य देखिए, टुकड़े टुकड़े इकट्ठे किए गए, बोरवेल से क्रेन से निकाले गए और उसके बाद इस तरह बॉडी को बनाया गया। इन टुकड़ों का क्या कहा पोस्टमार्टम हुआ कागजों में, क्योंकि शरीर बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। कागजी पोस्टमार्टम हुआ और फिर यह अंतिम क्रिया के लिए इस तरह शरीर को जोड़कर रखा गया, जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। नहीं दृश्य देख सकते आप, वह दिखा भी नहीं सकते आपको कि वह वाला वीडियो कितना भयंकर है, नहीं समझ पाएंगे, आग लग जाएगी सीने के अंदर। यह चिता के जलने की तैयारी नहीं हो रही, आज हर जैन भाई के अंदर ऐसी एक आग लगी हुई है। कहाँ गया सारा मीडिया, थोड़ी सी सनसनाहट और शांत हो गया, नेताओं की आवाज़ नहीं निकली। वही नेता जो 4 साधुओं को महाराष्ट्र में पीटते हैं ना, तो सारी खबर बन जाती है। अरे सारे उप प्रधानमंत्री लेकर नीचे तक सब मंत्रियों के ट्यूट हो जाते हैं, निंदा प्रस्ताव हो जाते हैं, सब कुछ कार्रवाई होती है, केंद्र में भी होती है, राज्य में होती है और मीडिया के पन्ने भर जाते हैं, सारे वीडियो दिन भर चलते हैं। आज कोई शांत, कहाँ गए वे बजरंग और वेबदिल, आज कमरों में चुपचाप बैठे हैं, नेताओं की आवाज़ नहीं आ रही है। अरे दूसरों को क्या कहें, आज तो जैन समाज ऐसा हो गया है। मंच माला माइक वाले आज चुप बैठे हैं, शांत बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समुद्र में उफान आना चाहिए, वह आज लहर भी नहीं चल रही। अरे जब इस तरह क्या है, अरे हमारे पंथ के नहीं हैं, दिगंबर है, श्वेतंबर नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है, स्थानक पास बस यही बात है क्या? या अरे वह 13 पंथी नहीं है, 20 पंथी है, क्या यह बात है? कि यह बात है, अरे दक्षिण में हुआ है, उत्तर पश्चिम वाले को क्या करना है? अरे उत्तर पश्चिम में तो आसमान ने बरस कर कह दिया, अरे इतने आंसू तो मैं टपकाता हूं और तुम कुछ नहीं कर पाते हो। आज प्रकृति भी शायद ही उत्तर पश्चिम वाले भारत के सब लोगों से कह रही थी। तड़प जाता है इंसान, अरे वास्तव में हम क्या हो गए हैं? आज वास्तव में कायर, नपुंसक, डरपोक, कलंक करने वाले अपंग, क्या आपको हमारी बात को बुरा लग रहा है ना शब्द सुनने पर? हकीकत में आज जैन समाज ऐसा ही हो गया है। हमारी मत सुनो, इन आचार्य श्री की सुन लो। जिनके पास भी मोबाइल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने मोबाइल पर ये समाचार नहीं पढ़ा, नहीं देखा, नहीं सुना? ऐसे मोबाइल पर ऐसे समाचार पढ़ करके भी तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी, तुम्हारा दिल नहीं दुखा, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ कि मेरे एक ऐसे महान संत के ऊपर, एक दिगंबर मुद्रा के धारी के ऊपर और ऐसा कठोर उपचार कि उनके अंग अंग काट डाले? अरे आज के दिन तो जतारा बालो, घर घर में ये चर्चा होनी चाहिए थी और लोग मेरे पास आते और कहते, गुरुदेव एक दिगंबर मुद्रा के धारी आचार्य के ऊपर ऐसा उपचर्ग हो गया है, अपन लोगों को क्या करना है? अरे कम से कम तो कुछ तो अपना खून खोलना चाहिए, ऐसे नपुंसक बनकर के बैठने से कुछ नहीं होता। अपनी दुकानों पर बैठे होंगे, अपने घरों की व्यवस्था में लगे होंगे, खाने पीने की व्यवस्था में लगे होंगे। बंधुओं,
इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। अरे राम बनो राम, अकलंक बनो अकलंक, कलंक बन गए हो तुम। नहीं कह रहे कि दरवाजे पीटो लड़ाई करो, शांति से कम आवाज तो दो, शोर तो मचे, आवाज सलियारों में रानी तक पहुंचे, आध्यात्मिक लोगों तक पहुंचे, हमारे संगठनों में पहुंचे। ऐसे कुछ प्रदर्शन जरूर हुए दक्षिण में, बेलगावी में और जगह, कुछ संत के हाथ में, कुछ लोगों की आवाज, पर बाकी देश बिल्कुल शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ना हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की सैकड़ों संस्थाएं हैं, हर कोई संस्थाएं बना के बैठे हैं, बड़ी बड़ी 100-100 साल 50 साल पुरानी भी संस्थाएं हैं, पर किसी की कोई आवाज नहीं आई। इतना भेदभाव, इतना निरंकुश हो गया जैन समाज आज। हाँ, एक ऐसा पत्र जरूर निकला, पर ऐसे कितने थे, एक या दो बस। कहां जा रहे हैं हम? कुछ संतों ने भी आवाज उठाई। एक संत ने तो साफ कह दिया, मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, अब अन्न जल की एक बूंद नहीं लूंगा जब तक कर्नाटक के अंदर साधुओं की सुरक्षा की लिखित आश्वासन नहीं मिलता। क्योंकि नेताओं की मूजबानी बात पर चाहे अमित शाह जी कहें या कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहें, विश्वास नहीं कर सकता। ऐसी देखने के बाद भी कोई शांत रह सकता है क्या? आचार्य श्री गुणधर नंदी जी ने इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी अपने नवग्रह तीर्थ पर कि प्रेस के सामने आमरण अनशन शुरू और जल की एक बूंद भी नहीं। जरा सुनी, जब तक होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, जब तक मेरे लिखित रूप से कर्नाटक में जैन साधु की सुरक्षा हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब तक लिख के नहीं देंगे तब तक आमरण अनशन में बैठूंगा, कल से एक बूंद भी पानी नहीं लूंगा। जब तक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर राइटिंग में नहीं देंगे, आज सुबह मैंने डिक्लेयर किया है प्रेस मीट के अंदर, उसके बाद होम मिनिस्टर का भी फोन आया है, सॉरी सभापति का भी फोन आया, कम से कम 15-20 एमएलए का भी फोन आया, एसपी डीएसपी का फोन आया। मैंने ये कहा कि और बातों से काम नहीं चलेगा, पालक मंत्री का भी फोन आया, उसके बाद अनेकों मेरे को अनगिनत लोगों की समाचार आए। मैंने कहा जब तक जैन धर्म के मुनियों की, जैन विरासतों की, जैन शासन की जब तक हमारे लिखितबद्ध रूप से नहीं मिलेगा, तब तक गुणधर नंदी अपनी जान दे देगा, प्राण दे देगा, परंतु पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी अटट प्रतिज्ञा है और मुझे जो चाहते हैं, मुझे जो फॉलो करते हैं, उन सभी से आत्मीय निवेदन है, आप भी अपने तरह से जिन शासन की रक्षा के लिए आगे आए, जिन शासन प्रभाव के लिए आ जाए, आज उनका हो सकता है, कल मेरा हो सकता है, तीसरा दूसरे का हो सकता है, क्योंकि अधर संख्या ज्यादा है, जिन धर्म के प्रति विद्रोह की भावना ज्यादा है। आमरण अनशन को शुरू हुए मात्र 4 घंटे हुए थे, मात्र 4 घंटे। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री कर्नाटक, कल्चरल मिनिस्टर, ऐसे अनेकों मंत्री और मुख्य लगातार ठन 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 फोन बजने लगे कि महाराज जी ये क्या कर रहे हो, आश्वासन देते हैं तो अनशन तोड़ दो। आश्वासन लिखित चाहिए, कोई बुनियाद पर चाहिए, चाहे अमित शाह जी कहें या कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहें, कर्नाटक के गृह मंत्री कहें, कोई भी कहे। इस तरह की बात करते करते उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया, मैं 4 घंटे के बाद ये आमरण अनशन तोड़ तो दिया कल मैंने, पर इसकी मियाद मात्र 12 घंटे रहेगी, अगर 12 घंटे में आपसे लिखित आश्वासन नहीं मिला तो यह दोबारा शुरू हो जाएगा। सुनेंगे जरा, सुनिए जरा। मैंने 2-3 ही मांग रखी है, हमारे जैन जगत के साधु है वे जो है सभी प्रकार के त्यागी रहते हैं, बिहार के अंदर हमारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कल आज सुबह भी कहा था, ऐसे ऐसे जगह साधु को रुकना पड़ता है और जहां जैन समाज का बच्चा तक नहीं रहता है और चलने वाले छोटे छोटे छोकरे बच्चे रहते हैं 2-3, वो भी नौकर रहते हैं, गिने चुने एक दो भक्त रहते हैं, और मुस्लिम का इलाका है, अदर इलाका है,
ऐसे इलाकों में अगर हमारा गुजरना होता है, कभी हंसते हैं, कभी पत्थर मारते हैं, कभी खिल्ली उड़ाते हैं, कभी कच होता है, और कभी कभी 20-20 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक रूम तक नहीं मिलता है, तो मैंने गवर्नमेंट से मांग किया है। अभी दोपहर को 4 बजे अमित शाह का भी फोन आया था और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का भी फोन आया, मुख्यमंत्री का भी फोन आया, होम मिनिस्टर स्पेशल कल हेलीकॉप्टर लेकर के नवग्रह तीर्थ आ रहे हैं। आपकी क्या समस्या है, केवल 12 घंटे के अंदर हमें टाइम दीजिए, स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुला करके जो भी समाज की मांग है पूरी तरह हम करने को तैयार है, आप उपास पीछे लीजिए, ये भावना भाई है। और ठीक मैंने 2 बजे होम मिनिस्टर के विश्वास पर, उप मुख्यमंत्री के विश्वास पर और हमारे केंद्र के अमित शाह के विश्वास पर और प्रहलाद जोशी जी के विश्वास पर 2 बजे मैंने अनशन तोड़ा है। वो मात्र जो है केवल 12 घंटे के लिए तोड़ा है। प्रेस मीट कम से कम 100 टीवी के बीच में यह घोषणा की है, 12 घंटे के अंदर जो मेरी 4 मांग है, जैन साधु को जहां भी रुके, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानक वासी हो, जो तेरापंथी हो या मुंह पट्टी हो, देरावासी हो, खच्चर गच्छ हो, कोई भी संप्रदाय, श्वेतांबर दिगंबर कोई भी साधु है, देश कहीं भी अगर आपने को रुकने के पड़े, अगर सरकार की बंगला है, जैसे मिनिस्टर को खाली किया जाता है वैसे खाली करके देवे और उनकी व्यवस्था करे, और रात में कोई नहीं रहता है वहां पुलिस गश्ती लगाए और पुलिस उनको सुरक्षा देवे। तो होम मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकारा है और स्पेशल एक जैन जगत के लिए स्पेशल एक मीटिंग बुला करके, कैबिनेट बुला करके इसके लिए ठहराव पास कर करके पूरा जहां भी अगर साधु जाता है उसकी सुरक्षता के साथ उसकी व्यवस्था देंगे। ऐसे हमारे मुख्यमंत्रियों ने, होम उप मुख्यमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इसको स्वीकारा है, केंद्र मंत्री ने, प्रहलाद जोशी जो हमारे आत्मीय हैं, अभी भूमाय जी हमारे विरोध पक्ष के नेता भूमाय हैं, इन सभी ने जो है इस बात को स्वीकारा है कि हम इस बात को आप जो कहेंगे वो करेंगे। अगर राज्य गवर्नमेंट नहीं करती है तो केंद्र गवर्नमेंट पूरा आपके साथ है। अगर आप जो बोलो दिन रात हम यहीं आकर के देश भर में हम इसका बीजेपी की तरफ से प्रतिभटना करेंगे और इस कानून को हम लाएंगे, ऐसे हमारे विश्वास दिलाने के बाद, प्रहलाद जोशी और अमित शाह के विश्वास दिलाने के बाद मैंने सत्याग्रह तोड़ा। कुछ संत बोले, विद्वान बिल्कुल चुप हो गए। हमारे पास तो लोगों ने यह तक कहा कि आज बगैर लिफाफे के विद्वान का मुंह नहीं खुलता। चलिए, महालक्ष्मी इस बात को नहीं मानता क्योंकि आज भी विद्वत्ता हमारे जैन समाज में थोड़ी तो जिंदा है, पर किसी विद्वान का कोई आवाज नहीं, कोई एपिसोड नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, सब कुछ खाली। अरे जो श्रेष्ठी जन होते हैं ना, जो मंच माला माइक लेके चलते हैं, कहते हैं बगैर माइक और माला के हम कैसे निकल आए घर के बाहर, आज स्थिति ऐसी हो गई। पर यह हमारे देश में थी, अमेरिका में देख रहे हैं, ये लोकेश मुनि जी, उन्होंने वहीं पर कहा कि हम सबको एक होना पड़ेगा, ये पंथवाद संतवाद को खत्म करना पड़ेगा, मतभेद रहे मन भेद मिटाना होगा। और उन्होंने वहां पर ही उपवास रखा और कहा अमरीकी लोगों के अंदर जितने जैन हैं वह कोई पंथ संत नहीं करते, वह एक होके इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये आप बैकग्राउंड में सुन भी रहे हैं। मैं अमेरिका की धरती से उपवास के साथ, मैं कर्नाटक के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि वे दोषियों को कठोर से कठोर सजा के साथ साथ हमारे साधु भगवंतों की रक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए। अमेरिका में मैं आपको बताऊं, जैन एकजुट हैं, 70 सेंटर
सब एक छत के नीचे दिगंबर श्वेतंबर देरावासी स्थानकवासी तेरापंथी एकजुट होने से यहाँ जैनों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है, यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है। भारत में हम बनते हुए हैं, इसलिए हमारी आवाज कमजोर हो गई है। मैं इस घटना के साथ जैन समाज से कहता हूँ, अब तो कम से कम एकजुट हो। घोर निंदा करनी चाहिए, कड़ी भर्स न करनी चाहिए। अरे जितने आपके सोशल हैंडल हैं सबके सब भर जाने चाहिए। 1,00,000 से ऊपर ट्विटर पे हमारे हैं एक्टिव जैन, 10,000 ज्यादा यूट्यूब पर एक्टिव हैं। एक्टिव बात कर रहे हैं, 4-5 की बात नहीं कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर 1,50,000 से ऊपर फेसबुक के जैन हैं, लेकिन किसी में 10-20-50 बस यही रह गई है समाज में पहचान हमारी जैन समाज की। अगर कुछ और होता तो भर दिए होते, लेकिन आज नेता के चक्कर में रह गए हम भूल जाते। आचार्य श्री गोवर्धन नंदी जी ने जैन समाज को खरी खरी सुना दी। वास्तव में बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, कमेटियां क्या करती हैं, उन्होंने एक प्रकार से उसकी पोल खोलकर भी रख दी। जब वो बुलाते हो तो बैंड बाजे के साथ बुलाते हो, और जब विहार कराते हो तो भाड़े के 4 लोग भेज देते हो। रात को 10 बजते हैं तुम्हारी जय राम जी की हो जाती है, और वहां पर अकेले संत के साथ कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई परवाह नहीं। 6 बजे मंदिर की घंटी बजेगी तब तुम अभिषेक के लिए आओगे। खरी खरी सुनाए जब आचार्य जी ने, सुन लिया आप भी, और यही बात आज आपसे फिर कहेंगे। सुनने से पहले एक बार आपसे विदा लेते हुए आवाज कस कर उठाइए, 3 दिन हुए 3 जन्म नहीं हुए। कड़ी भर्सना होनी चाहिए, आवाज संसद तक हर विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए, मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। जब तक नहीं उठाएंगे तब तक ऐसा ही होगा। आज एक संत गया है, कल दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। अरे जैनों के धर्म का नाम मिशाने का एक साजिश भी बन जाएगा। सुनिए जरा आचार्य जी ने क्या कहा। आज जैन समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है, आज पंचकल्या न करवाते हैं, बैंड बजा से साधु को लेके आते हैं, और जब वहां से विहार करते तो नौकरों को कमल पकोड़ा के बाहर भेजते। आओ चातुर्मास बड़े धूमधाम से करवाते हैं, बड़े प्रभावना से कराते हैं, चातुर्मास के बाद 10 किलोमीटर के बाद साधु को विहार करने या सहयोग कोई आता नहीं। मैंने 40 साल के अनुभव में देखा मैंने, और कोई जो सामान्य साधु आता है, एक बड़ा साधु आता है तो 24 दरवाजे बनते हैं, और एक सामान्य साधु आता है तो किस दरवाजे से आता है और किस दरवाजे से चला जाता है पता नहीं चलता। और ऐसी हमारी समाज की समस्या है, रात को वैयावर्ती के बाद साधु के पास वहां रक्षण के लिए कोई रहता नहीं। आज भी भारत देश में ऐसे कई समस्या है, साधु के चतुर्मास आरती के बाद कोई श्रावक कोई सिक्योरिटी गार्ड उनके रक्षण में नहीं आते हैं, कोई रहता नहीं है।